कॉल कर दूंगा जल्दी जल्दी लेके आने के लिए दोस्तों। 10 मिनट बस यहाँ पहुँचने के लिए। जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ऊपर में वो वाला है एक्चुअली, ये जो फर्स्ट फ्लोर है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, बात यह है कल भी मैं कोई जगह गया नहीं दोस्तों, इसी वजह से कोई वीडियो भी अपलोड कर नहीं पाया दोस्तों, आई एम सो सॉरी। क्योंकि एक्चुअली बारिश में पूरा दिन खत्म हो जाता है दोस्तों, क्या ही निकले। हर टाइम गाड़ी निकलने से मतलब होता है, जैसे कोई अगर हफ्ता भर गाड़ी नहीं चलाता है उनके लिए अलग बात है दोस्तों कि गाड़ी लेके निकलूँ। मैं तो हर रोज़ गाड़ी ही चलाता हूँ दोस्तों, तो मन नहीं करता है कि फिर से संडे को भी गाड़ी लेके निकलूँ। कभी कभार मन करता है कि दोस्तों के साथ घूमने जाओ, स्कूटी लेके जाओ या फिर बाइक से जहाँ भी राइड में, तो दोस्तों के साथ जाने से वो मतलब अच्छा लगता है। लेकिन बारिश होने से दोस्तों पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। हम लोग का कल भी प्लान था दोस्तों निकलने का, लेकिन वही बारिश की वजह से सब फ्लॉप हो गया दोस्तों, क्योंकि कल बहुत बारिश हुआ और ऊपर से संडे था, तो संडे तो घूमना बनता है दोस्तों, लेकिन वही बारिश के लिए घूमना बनता नहीं है, घूमना बंद है। तो आज तो आ गया और जगह मिल चुका है ऑकलैंड में आने का, साथ साथ वही आते आते दोपहर हो गया और लगता है कि बारिश भी आने वाला है, क्योंकि रोज आते ही है। सो आज भी आएगा तो वो बात अलग है, लेकिन वही अभी आ तो गया मैं और दोस्त लोग भी नहीं है आज, तो अभी कॉल करूँगा, अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो वो तो घर पे ही होगा, मुझे पता ही है मेरा जैसा कलर का जो गाड़ी है रेड कलर का मेरा दोस्त का। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है दोस्तों आज। वैसे तो सारा दिन में कल घर में ही था दोस्तों, निकला भी नहीं, फिर निकल के जाऊँ भी कहा बारिश में, अगर छाता लेके भी निकलूँ तो बारिश में भीग जाऊँगा, कि बहुत ज़ोर का बारिश गिर रहा था दोस्तों। तो अभी वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ काम मिल पाता है या नहीं आज, तो करते हैं वेट, मिलते हैं दोस्तों। A little longer than a few minutes later. So दोस्तों फाइनली 4 घंटा बैठने का बाद में कॉल आ गया है, टाइम हो रहा है दोस्तों 4:10। सो अभी तो रास्ता फिलहाल थोड़ा बहुत खाली होगा, सो जाके ढालना है दोस्तों GS रोड से नीचे का दुकान जो है सोफा का, वहां से ढालना है एक सेट सोफा और लेके जाना है दोस्तों नंगथुमाई। तो बात वगैरह हो गया है, जैसे अभी अभी कॉल आया था दोस्तों, तो बात वगैरह तो हो चुका है, अभी सिर्फ जाऊंगा और डाल के निकलना है दोस्तों। शायद कस्टमर भी साथ में जाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, वो जाने के बाद पता चलेगा दोस्तों, कोई कोई कस्टमर जाते नहीं है, साथ में नंबर दे देते हैं, वही तो निकलता हूँ दोस्तों यहाँ से और जाता हूँ डायरेक्ट अभी दुकान में, वहाँ जाके मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों जी सर पहुंच गया और दुकान के सामने भी पहुंचने वाला हूँ, पहुंच के कॉल कर दूंगा जल्दी जल्दी लेके आने के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम में रुक नहीं सकता सामान ढालने के लिए, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए कॉल अभी कर देता हूँ दोस्तों, तो अच्छा होगा। तो वही तो आते आते मेरा अपना भी हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो लेके आ रहा है बोल दिया राहुल ने, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आ जाएगा। लगा देता हूँ मैं गाड़ी, मैंने लगा दिया गाड़ी यहाँ पे, जाके डाला वगैरह खोल देते हैं और ढाल के मिलते हैं दोस्तों। देखा था आपको कौन सा सेट है, मुझे भी नहीं पता, मैंने पूछा ही नहीं दोस्तों, देखते हैं। यही है सेट, ये देखिए छोटा सेट है दोस्तों, के भी बोलते हैं इसको, ये एक बाकी है, इसको डाल के फटाफट निकलते हैं दोस्तों। निकल गया एक्चुअली GS रोड में, थोड़ा जब हमें आ रहा था उस टाइम में थोड़ा ट्रैफिक जाम मिला था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन आगे में मिल जाएगा, धान के भी पर पहुँचने का पहले ही मुझे मिल जाएगा, वो मुझे पता ही है। और टाइम हो रहा है दोस्तों 4:40, तो एक काम जो मिलना था वो मतलब मिल चुका है,
डिलीवरी तो नहीं हुआ सामान और कस्टमर भी साथ में नहीं जा रहे दोस्तों, नंबर मुझे मिल चुका है। सो हम तुम्हारे लेके जाने और बात भी हो गया है कस्टमर के साथ, लेकिन कस्टमर यहाँ पे है दोस्तों। तो जो कस्टमर का मुझे मतलब जो सामान खरीदने के लिए आए हैं वो यहाँ पे ही है, मतलब बीबी में है, अभी तक गए नहीं। तो घर में मैंने पूछा कि घर में कोई है क्या, उन्होंने बोला हाँ घर में तो आदमी है। तो मैंने उनको बोला कि नंबर दे देने के लिए, जो मतलब घर में जो है उनका नंबर मिलने से अच्छा हो जाएगा दोस्तों। वैसे तो मुझे पता है कि कौन सा जगह, तो उन्होंने एड्रेस दिया है कहाँ में है उनका घर, तो वही है। देखिए फिर से कस्टमर का कॉल आ गया, तो बात कर लेता हूँ मैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ नहीं उठा सकता है सर, बात तो हो गया है। उन्होंने बोला कि घर में मतलब लड़का नहीं है और जो है वो उठा नहीं पाएगा, मतलब सोफा भारी है ना दोस्तों, इसी वजह से। तो उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा हेल्प कर दो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा वो बात। यहाँ पे तो फिलहाल ट्रैफिक जाम नहीं है दोस्तों, मिल गया है, ट्रैफिक जाम नहीं है बोलने के साथ साथ ट्रैफिक जाम ही मिल गया दोस्तों। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा ही लग जाएगा मुझे पहुँचने में, लग गया ट्रैफिक जाम और एकदम आप में आके ट्रैफिक जाम में अटक गया ना। तो जाते हैं दोस्तों, क्या करें और उपाय नहीं है, अभी रुक रुक के जाएगा तो जाते हैं रुक रुक के दोस्तों, क्या ही किया जाए। बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ और टाइम हो रहा है 5:10, बस यहाँ पहुँचने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया दोस्तों, क्या ही बोलूँ, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना ही है और जाने का टाइम भी थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऑफिस छुट्टी होने वाला है, छुट्टी होने वाला है क्या हो गया इसी वजह से, क्योंकि 5 ऑफिस छुट्टी होता है दोस्तों, तो ऑफिस छुट्टी होने के बाद में ट्रैफिक जाम ज़्यादा ही होता है, जैसे स्कूल टाइम स्कूल छुट्टी होने से होता है वैसे ही दोस्तों। कस्टमर का नंबर तो मिल चुका है, मैंने उनको बोला था कि वो जो घर पे है उनका नंबर देने के लिए, तो उन्होंने दे दिया, मैंने कॉल नहीं किया उनको। तो जगह पे पहले पहुंच जाता हूँ, अभी भी काफ़ी दूरी पे हूँ मैं अभी फिलहाल, तो बहुत ही दूरी पे है अभी भी उनका घर, पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, तो इसी वजह से मैंने कॉल नहीं किया कस्टमर को। तो जब पहुँचूँगा तभी कॉल करूँगा, मतलब उनका घर तो एग्जैक्ट कहाँ पे है वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि मेन रोड पे ही है और एक ब्राउन कलर का गेट है वहाँ पे, तो ब्राउन कलर का गेट भी ब्राउन कलर है और बिल्डिंग भी ब्राउन कलर का ही है, जो भी हो तो जाने का बाद पता चलेगा। जाते हैं दोस्तों, ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों, देखिए अभी हिल रहा है अभी बंद, ये बंद हो गया तो बंद हो गया दोस्तों, जाते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों मैं तो पहुंच गया और जो जगह दिखा रहा है वो तो देख के मुझे डर लग गया दोस्तों, क्योंकि हेल्प करने के लिए बोला है, लेकिन ऐसा हेल्प करूंगा तो हो गया मेरा कल्याण। मैंने दिखा था वो वाला घर है जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ऊपर में, वो वाला घर क्या करें, बात कर लेते हैं और सामान उतार लेते हैं, उसको रुकने से तो फायदा नहीं होगा। A few moments later फाइनली सामान उतारना हो गया कंप्लीट, और एक्चुअली ये जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे था तो थोड़ा मुश्किल हो गया, और जगह भी छोटा था, गाड़ी यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि भैया का तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मुझे डालना पड़ा, कोई बात नहीं चलता है, लेकिन मैं थक गया दोस्तों क्योंकि सीढ़ी कुछ ज़्यादा ही है। चलो इसको निकलता हूँ वैसे और जाता हूँ डायरेक्ट, कहाँ जाऊँ तो ऑकलैंड ही चला जाता हूँ, वैसे तो काम होने वाला है नहीं, अभी जाते जाते भी बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। निकलता दोस्तों, जाते हैं डायरेक्ट
ऑकलैंड ऑकलैंड जाकर बात करते दोस्तों, मुझसे नहीं हो रहा। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया ऑकलैंड में और दोस्त भी यहाँ पे है, तो मुझे दोस्त का गाड़ी के पीछे में जगह मिल गया पार्किंग, सो मैंने लगा दिया गाड़ी। दोस्तों अभी कुछ मिलने का चांसेस तो है नहीं, वैसे तो आने में भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया दोस्तों, 6 का ऊपर ही हो गया, 6:30 हो गया आने में। तो बैठते दोस्तों, अभी दोस्त का गाड़ी में जाके बैठूंगा, वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा टाइम ही बैठूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठूंगा, वो भी चला जाएगा, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठेगा दोस्तों, काम नहीं होने से बैठ के तो फ़ायदा नहीं है इसी वजह से। सो मैं भी थोड़ा टाइम बैठूंगा दोस्तों उसका साथ, जब वो गाड़ी निकाल देगा मैं भी निकाल जाऊंगा दोस्तों, शायद 1 घंटा ही बैठेगा, वो भी 1 घंटा भी नहीं बैठेगा मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग तो कभी कभी 6:30, कभी 7 बजे निकल जाता है, उससे ऊपर नहीं दोस्तों, कभी कभार अगर मैं बोल के रखता हूँ तो 8 बजे तक रुकता है, वो बात अलग है। सो वही बात है दोस्तों, वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, वैसे तुम कुछ मिलने वाला है नहीं, तब भी टाइम पास करूंगा यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम, मिलते हैं। One hour later. So, दोस्तों फाइनली चला आया घर में, एक्चुअली जोर से बारिश आ गया था दोस्तों और बाहर में भी बारिश गिर रहा है इसी वजह से, लेकिन वहाँ पे जब बारिश आया दोस्तों मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो उधर से फिर मैं मेरा दोस्त का गाड़ी में जाके बैठा, तो वो बोल रहा था चल निकल जाते हैं, चल निकल जाते हैं, लेकिन मैं तब भी बैठा, थोड़ा टाइम बैठ यार, अच्छा नहीं लगता है तुम लोग जाने से, तो थोड़ा टाइम मैंने बिठाया उसको, फिर 1 घंटा होने का पहले वहाँ से निकल गया दोस्तों। सो अभी यार 1 घंटा पूरा पूरी घर में पहुँच गया और काम कुछ नहीं मिला, फिर घर में दोस्त को भी रोक के रखा, एक्चुअली वो रहने से थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, नहीं तो मुझे भी कहा अच्छा लगता है अकेला बैठने में, वही बात इसी वजह से मैंने उसको बिठा के रखा था। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ बोलूँगा नहीं कुछ भी, वैसे तो आप लोग कर ही देते हैं दोस्तों, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज नहीं बोलूँगा, और उनके लिए जो मेरा वीडियो नए देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए ब्लॉग में इतना दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, जय हिंद।